हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक अद्भुत और खूबसूरत गुफा यानी कि अजंता गुफा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजंता गुफाओं के पास में और आज हम सैर करने वाले हैं अजंता गुफाओं की। लेकिन यहाँ पर पहले हमें गाड़ी पार्क करके यहाँ से बस से अजंता गुफाओं की ओर जाना होता है जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर ली है, पार्किंग का टिकट लेना है गाड़ी यहाँ पे पार्क की बोलकर। यहाँ से टिकट लेना है, टिकट लेके हम आगे बढ़ने वाले। तो दोस्तों अभी हमने गाड़ी पार्क कर ली है, 2 व्हीलर जिसका टिकट 20 रुपये है। और तो अभी हमने दोनों टिकट ले ली है। अब यहाँ से हम बस की ओर जा रहे हैं जिसका आने जाने का टिकट है 50 रुपये जो हमें ठीक अजंता के गुफाओं तक छोड़ेंगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे पार्किंग टिकट और अंदर जाने का टिकट बता दिया, बस का भी टिकट बताया, कैसा जाना है क्या जाना है ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक अद्भुत और खूबसूरत गुफा है। तो इन्हीं की सैर आज हम करेंगे। यहाँ क्या बात है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत से दुकानें हैं, यहाँ पे शॉपिंग प्लाजा। और फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो तो यहाँ पे उसकी भी व्यवस्था है, चाय पानी कॉफ़ी की। और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स है जैसे कि हैड वगैरह, कैप और मूर्तियाँ भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, बैग्स वगैरह ये सब यहाँ पे शॉपिंग कर सकती है। ये यह है यहाँ का शॉपिंग प्लाजा अजंता का। तो दोस्तों शॉपिंग जहाँ पे पार्किंग करके हम आगे आए हैं और शॉपिंग मॉल के जो शॉपिंग प्लाजा है वहाँ से राइट साइड लेके आपको बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पे शटल बस का रास्ता देख सकते हैं आप, ये है शटल बस का रास्ता। तो यहाँ से अभी हमें बस पकड़नी है, बस में बैठ के हम अजंता के गुफाओं में जाएंगे, अजंता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शटल बस स्टॉप फॉर केस गुफाओं के लिए यहाँ से बस मिलेंगी, देख सकते हैं आप आगे बस खड़ी हुई है। जानकारी है भरेली पुल, यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत पुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस तो काफ़ी खड़ी हुई है यहाँ पे जाने के लिए। यहाँ से आप कोई भी बस में बैठ के जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बस के पास आ गए हैं। जो नॉन एसी बस है उसका 25 रुपये टिकट है और जो एसी बस है उसका 30 रुपये यानी ये 30 रुपये टिकट है। तो अभी पहले एसी वाली बस रखने वाली थी इसलिए हमने एसी बस का टिकट निकाल लिया जिसका 30 रुपये पर हेड चार्जेस है। तो आइए अभी हम इसके अंदर बैठ के जाते हैं। जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा जंगल के अंदर बनी हुई गुफा है, यहाँ पे चारों ओर आपको पहाड़ी देखने को मिलेंगे और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर बनी हुई है अजंता की वर्ल्ड फेमस गुफा है।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हम नीचे उतर गए यहाँ से बस से। अब यहाँ से हमें पैदल चल के गुफाओं तक जाना है, तो अभी हम गुफाओं की ओर जाने वाले, तो गुफाएं देखते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आखिर तक बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितने खड़ी पहाड़ है, और इसी खड़ी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ इतिहास लिखा हुआ है कि हमारे तीनों लैंग्वेज में है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है गुफाओं का, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक नंबर गुफा से लेके ऐसे पूरे 29 नंबर की गुफाएं बताए हुए यहाँ पे। अरे वाले जो देख रहे हैं अपन, ये वाघूरा नदी है। और यहाँ पे तीन लैंग्वेज में हिस्ट्री लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे आके बैग्स वगैरह रहते, तो बैग्स चेक करते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो यहाँ से अभी हम गुफाओं की ओर जाने वाले हैं। यहाँ से हमें टिकट लेना है, जो कि 40 रुपये टिकट है, 40 रुपीज़ पर हेड। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ से टिकट ले लिया और गुफाओं की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से भी हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और फ्रेंड्स ये जो बरगद का पेड़ आप जो देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना है। इसे 1937 में माननीय अकबर हैदरी नवाब हैदर नवाब जंग बहादुर निज़ाम कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। और दोस्तों इस पेड़ को लगाने का उद्देश्य यह था कि यहाँ गुफा को देखने आने वाले विजिटर, यहाँ पे घूमने आने वाले लोगों को आराम करने के लिए और उन्हें याद दिलाने के लिए कि भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस पेड़ को लगाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे घूमने आने वाले पर्यटक, चाहे देशी हो या विदेशी, बड़े आराम से इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, बैठते हैं, जो कि बहुत ही गहरी और ठंडी छाव देता है ये वृक्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। यहाँ से अभी हम ऊपर जाने वाले हैं।